दिशा से बिना भटके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। और इस वर्ष पीसी एग्जाम में 933 कैंडिडेट्स उनको सर्विसेस अलॉट किए गए हैं। एग्जामिनेशन की प्रगतिता इस स्तर पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11,35,697 कैंडिडेट ने कैंडिडेट भरा अपने इस एग्जामिनेशन कार्मिक परीक्षा के लिए। इसमें सिर्फ 573,735 कैंडिडेट 5 जून को 2022 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में वो बैठे और 13,090 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ। साथ ही 2,529 कैंडिडेट ही परीक्षा साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए चुने गए। फाइनली 933 कैंडिडेट्स को ये सर्विसेज अलॉट हुआ, जिसपे मैडम भी एक हैं और प्रथम 4 स्थान महिलाओं का भी रहा, जो कि गर्व का बात। अब उनके इस अचीवमेंट के लिए दोबारा मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और उनसे उनकी स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आखिर उनकी स्ट्रैटेजी से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे अपने स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट में जा सके। तो वंस अगेन वेलकम मैम एंड कंग्रेचुलेशन। योर फर्स्ट रिएक्शन फॉर दिस रिजल्ट, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? My first reaction was happiness, definitely, because I was not expecting whether I would be there in the list or not. So when I saw my name, so I was happy that I am in the list. Okay. Ma'am, aspirants, they have the doubts also, like कि कब उनको तैयार करना चाहिए, अपने कोई स्ट्रैटेजी कब डिवाइस करना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि झारखंड, बिहार ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर इतना रिच नहीं होता एजुकेशन और इस कॉम्पिटिटिव माहौल का, तो उनको पता नहीं रहता कि कब हमें इस स्टेज पे या 12th स्टैंडर्ड के साथ इस प्रिपरेशन को तैयारी करना चाहिए या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में करना चाहिए। तो आप कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होती है इस तैयारी के लिए? एक्चुअली आई थिंक कि अब एक रीजनल कोई एक डिवाइड नहीं बन रह गया इंडिया में, बिकॉज आपके पास सबसे पावरफुल टूल है आपके हाथ में, वो है मोबाइल फोन, और उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है, सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, तो आपके पास गाइडेंस है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कितना यूज कर पाते हो और किस स्टेज पर तैयारी शुरू करनी चाहिए, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। पर मेरे हिसाब से आई थिंक एक बार में आपको अपना एक ही चीज पे 100% देना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अगर आपके सब्जेक्ट सेम है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो प्रिपरेशन के साथ, बट अगर आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर रहे हो और आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई थिंक आपको पहला पूरा फोकस ग्रेजुएशन पे करना चाहिए और देन फिर सिविल सर्विसेज की शुरुआत करनी चाहिए। या और मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने 12 PCM से की थी, उसके बाद मैंने एक BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स किया था कंप्यूटर साइंस से, तो मेरा भी बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड था फ्रॉम सिविल सर्विसेज। और सब्जेक्ट्स आपके क्या रहे, पेपर क्या थे, ऑप्शनल पेपर? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था। या मैम, मैम एक अक्सर अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द CSET एग्जामिनेशन एक देखा गया, ट्रेंड देखा गया कि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों एक डिस्कशन चल रहा है, डायलमा, कि क्या हिंदी के कैंडिडेट्स उनके जो सक्सेस रेट वो कम हो गए हैं और इंग्लिश के सक्सेस रेट ज़्यादा हैं, तो क्या इस मीडियम से कोई फ़र्क पड़ रहा है या क्वालिटी मैटर्स या मीडियम या दोनों चीज़ मैटर करता है कैंडिडेट्स के लिए? आई थिंक CSET ईयर टू ईयर बहुत टफ होता जा रहा है, पर उसमें आई थिंक लैंग्वेज का स्कोप नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए भी बहुत टफ हो गई है, पर यह है कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पे वर्क कर लेते हो तो आप शायद क्लियर कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपके लिए स्ट्रैटेजी वर्क करती है किसी भी प्रीलिम्स में या मेंस में, और मीडियम का आई थिंक कोई रोल नहीं है बिकॉज हिंदी वाले भी टॉपर्स हैं, और अगर आपकी कमांड आपकी लैंग्वेज पे अच्छी है और आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो उतना इनफ है UPSC के लिए। तो मैम, आपको ये लगता है कि ये एक मिथ है कि कम्युनिकेशन इंग्लिश या हिंदी से कोई फर्क पड़ रहा है, द पॉइंट इज क्वालिटी मैटर्स, आपको ये लग रहा है इस चीज में? हाँ, क्वालिटी मैटर्स, बट हाँ एक पॉइंट है कि जब आप कभी ऑप्शन चूज करते हो
तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे मटेरियल हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें सोशियोलॉजी में भी प्रॉब्लम थी, हिंदी में अवेलेबल नहीं थे मटेरियल, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज आई थिंक आप जब मेंस लिखने जाते हो तो लैंग्वेज फिर मैटर नहीं करती है। मतलब कंटेंट्स अगर आपने कहीं से कलेक्ट कर लिया है तो कंटेंट्स के बाद अगर भाषा में पकड़ है आपकी, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इससे यही निकल के आ रहा है। मैं एक और सवाल जो आ रहा है कि जैसे ये एग्ज़ामिनेशन, यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन और सिविल सर्विसेज, खासकर प्रोविंशियल सर्विसेज भी इसमें जोड़ दिया जाए, यूपी अपने आप में एक बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन भी बोला जाता है, आपने उसको क्लियर किया है, तो जो ये फेलियर होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार में स्ट्रेटेजाइज कर दो, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गए आप, तो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल क्लियर कर लिया वेल एंड गुड, लेकिन जब नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि ऐसे क्षेत्र से आए, फिनेंशियल क्रंच होता है, वो लेके आते हैं टारगेट में एक साल दो साल सस्टेन कर पाऊँगा फैमिली के सपोर्ट के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, एक नैराश्य, मतलब एक वॉइड सा क्रिएट होता है, साथ में बहुत एक डिसहर्टेंड भी होते हैं, और वो उनको ये लगता है कि शायद मैं अचीव ना कर पाऊँ, तो ऐसे स्थिति में जो कैसे आप लोग आपदा को भी एक अवसर में कैसे चेंज करते हैं, कैसे इसमें कैसे स्ट्रेटजी मैनेज करते हैं, स्ट्रेस कैसे बस्ट करते हैं, अपने को मोटिवेट कैसे रखते हैं? आई थिंक ये पूरी एक जर्नी जो है बहुत ग्रूलिंग जर्नी है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, और कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली सेल्फ डाउट्स आते हैं, और जब बैक टू बैक अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है। पर ये होता है कि आप अगर गिव अप कर देते हो तो डेफिनेटली आपके हाथ से वो चांस चला जाता है सेलेक्ट होने का, पर यहाँ पे आपको सोल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। जैसे अगर आप फाइनेंशियली बात करो तो अब तक का मैंने ये देखा है कि आप फॉलो कर सकते हो मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम गेन, और अगर आप एनसीईआरटीज को भी अच्छे से करते हो तो आई थिंक हो जाते हैं, आपको ज्यादा बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास इमोशनल ब्रेकडाउन है तो आई थिंक आपको कुछ अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को साथ रखना चाहिए जो आपको एनकरेज करें, प्लस आपको अपना वाई याद रखना चाहिए कि आप इस प्रिपरेशन में आए क्यों थे। अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है तो वो आपको जरूर एनकरेज करेगा कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दें। लेकिन मैम ये एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि आप सोशल सर्कल अपने इतना बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन इतना रिग्मा रोल इसमें रहता है, इतना टफेस्ट एग्जामिनेशन कि समय का अभाव रहता है कि आप ज़्यादा सोशल सर्कल को आप इनलार्ज भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि आप समय एक छोटा सा रील देखते हैं तो 10 रील और देखते हैं, तो समय उसमें भी जाया कर देते हैं, तो इन सब का भी तो असर जरूर से जरूर पड़ता होगा पेपर पे। और आपने किस तरह से कितने घंटे आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक क्वालिटेटिव, क्योंकि सब कैंडिडेट्स के अपने अपने अप्रोच रहते हैं, कोई 10 घंटे में उतनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवली उन चीज़ों को नहीं कलेक्ट कर पाता है, कोई 5 घंटे में कर पाता है, तो आपका क्या एक रैशनल अप्रोच है टुवर्ड्स आर ऑफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, कितने घंटे पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए? आई थिंक प्रिपरेशन में व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। आपको एक दिन में 14 घंटे नहीं पढ़ना है, पर आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो उस कंसिस्टेंसी को मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि वो 8 to 10 hours में ही बन पाती है। अगर आप 8 to 10 hours से ज्यादा दे रहे हो तो फिर एक दिन ऐसा आता है, अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लोगे तो आपकी नेक्स्ट डे अपने आप एनर्जी डाउन हो जाती है। और मेरा ये था कि मैं 10 days या 12 days 8 to 10 hours देती थी, उसके बाद मैं 1 day रेस्ट लेती थी जरूर, ताकि मैं अपने आप को रिफ्रेश कर पाऊँ और अपने टारगेट्स नेक्स्ट वीक के लिए सेट कर पाऊँ। तो आई थिंक वो रिफ्रेश पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जर्नी बहुत लॉन्ग होती है, और जैसा कि आपने कहा कि सोशल सर्कल को हमें लिमिट करना होता है, पर वो अपने आप लिमिट हो जाता है, क्योंकि अगर आप रोज 8 to 10 hours दे रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं होता अपनी सोशल लाइफ के लिए। पर जब वो आप एक दिन निकालते हो सिर्फ अपने लिए प्रिपरेशन में, वो टाइम है जिसमें आप अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से एसोसिएट कर सकते हो, अगर आपका कोई मेंटल प्रेशर है आप किसी से डिस्कस कर सकते हो, तो वो चीज़ वहाँ पे रिलीव हो जाती है, और फिर आप नेक्स्ट वीक के लिए उतने ही एनर्जाइज्ड होते हो और फिर से प्रिपेयर करने के लिए। या मैम, अब मैम ये एक लॉन्ग जर्नी है, कॉन्टिन्यूस आर्डवस जर्नी है ये सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की, तो इसमें प्रिलिमिनरी अपने आप में जो कहा जाता है कि इफ़ यू क्लियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट, बट दीज डेज अब तो प्रिलिमिनरी क्लियर करना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, तो अचीवमेंट नहीं है, जस्ट यू आर गेटिंग अ एग्जामिनेशन हॉल टिकट, दैट्स ऑल। तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे और दोनों
आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सीसेट ऑल्सो और पेपर फर्स्ट प्लस मेंस में इसका किस तरह से आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया प्रिलिमिनरी को ओवरकम करने के लिए एग्जामिनेशन और मेंस के लिए, ताकि एस्पिरेंट्स जो सुन रहे होंगे उनको इनसे बहुत सारा चीज मिल जाएगा। आई थिंक प्रिलिम्स इज द मोस्ट रिस्की पार्ट इन द प्रिपरेशन, और मेरा भी फर्स्ट प्रिलिम्स नहीं हुआ था, तो आई कैन शेयर व्हाट आई इंप्रूव्ड फ्रॉम माय फर्स्ट प्रिलिम्स टू द सेकंड प्रिलिम्स। तो व्हाट आई गेन्ड वाज दैट फर्स्ट थिंग व्हिच आई मिस्ड वाज द एटीट्यूड। जब मैं फर्स्ट प्रीलिम्स में बैठी थी तो मेरा एटीट्यूड ये था कि मेरा नहीं होगा इस बार, और वो उस साल नहीं हुआ, और वो इसलिए भी था कि शायद मैं प्रिपेयर नहीं थी उतना तो कॉन्फिडेंस नहीं आया था। तो अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें और आप टेस्ट सीरीज प्ले, ताकि आपको ये रियलाइज हो, कॉन्फिडेंस आए कि आपका हो सकता है। सेकेंड थिंग इज स्ट्रैटेजी, हाउ विल यू अटेम्प्ट द पेपर। Whatever I've experienced, whether it's mains or prelims, आपके पास वहाँ कोई टाइम नहीं होता अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने का। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये पहले से तैयार नहीं है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, कितने राउंड्स लोगे एग्जाम को देने में, तो आप वहाँ जाके ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि वो प्रेशर इतना होता है कि आप कुछ सोच नहीं पाते। अगर लेकिन आपने ये प्रेशर पहले से टेस्ट सीरीज में और अपने आप को एनालाइज कर चुके हो कितने क्वेश्चंस मुझे करने, आप क्लियर हो कि मैं इतने ही क्वेश्चंस करके आऊंगा, इतने राउंड्स लूंगा, दिस इज हाउ आई विल अटेम्प्ट द पेपर, तो आई थिंक आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। और आप उसके साथ टाइम मैनेजमेंट अगर करके चल रहे हो कि मैं एक घंटे में या एक डेढ़ घंटे में पहला राउंड ले रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद में राउंड ले रहा हूँ, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होती। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी बिफोर, और वेदर इट्स मेन्स और प्रीलिम्स आपको वो करना पड़ता है अगर आपको क्लियर करना है, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चंस कभी कभार अगर आप सोचते हो थोड़ा रखते हो तो एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं, और उसके लिए आपको पहले से कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, और वो स्टेप तब भी आएगा जब आपकी स्ट्रैटेजी इन प्लेस है। मैम, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उस दौरान में ये भी देखा गया है, जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी शुरुआत करके वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, उनमें क्या होता है, अगर कॉन्जिक्यूटिवली अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आप ब्लैंक जिसमें हो जाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है, और उससे क्या होता है, पूरा इम्पैक्ट हो जाता है पूरे एग्जामिनेशन को, तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सके। आई थिंक ये भी आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करती है, कि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं कुछ टेस्ट हमारे पास बहुत डिफिकल्ट आते हैं, और अगर उसमें हमारे पास बैक टू बैक 10 क्वेश्चंस पर से अगर हमें नहीं आते हैं, और फिर उसके बाद के हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और हमारा स्कोर सही आता है, तो हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आए या लास्ट के आए, या हम इतने, क्योंकि हमें 100-200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है। और ये अगर आपने पहले से कर रखा है, तो आप जब पेपर में बैठते हो और आपको लगता है कि मेरे से 5 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो आपने ऑलरेडी पहले करके देखा था और आपका स्कोर सही आया था, तो आप कॉन्फिडेंट होते हो कि डजंट मैटर कि मेरे को 5 नहीं आते हैं, अभी मेरे पास 95 क्वेश्चंस है करने के लिए। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आप ये कर सकते हो कि आगे के 10-15 क्वेश्चंस आप स्किप कर दो और बीच से आप स्टार्ट कर दो, वहां पे जैसे ही आपसे क्वेश्चंस होना शुरू होंगे तो आपका वो जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस है वो गेन हो जाता है। या मैम, और मैम जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो आपने बताई, तो जो टेस्ट सीरीज आपने बताई, तो टेस्ट सीरीज क्या उस रैंडम क्वेश्चंस को, बहुत सारे ऐसे इरेटिक क्वेश्चंस आप जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, बहुत सारा पढ़ा हुआ नहीं रहता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उस समय क्या होता है, रिकॉल का एग्जामिनेशन है ज़्यादातर, आप क्योंकि एक्सटेंसिव स्टडी होती है और आप रिकॉल करते हैं, तो जो रैंडम क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं उसको कैसे हैंडल करें, क्या टेस्ट सीरीज इसको कर सकता है, या कोई ऐसा कोई स्टडी मटेरियल कंटेंट्स आप इस तरह से आपने पढ़ा जो कि अपने एस्पिरेंट जो सुन रहे होंगे उनको ये फ़ायदा कर पाए, कि क्या कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ से इन चीज़ों को डिड्यूस किया जा सकता है, निकाला जा सकता है कंटेंट्स को, ताकि उनको रैंडम जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस वो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ी हैं उस समय वो क्वेश्चंस आप नहीं देखते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के हो गए, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आखिर वो डील करें। Actually, what I've experienced कि आपके 70-75 questions जो होते हैं वो आपके कोर से होते हैं, तो अगर आपका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑलरेडी 65-70 questions कर लेते हो prelims में, और वो इनफ है आपका कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बाद के जो हमारे questions बचते हैं उनमें रैंडम आते हैं, कुछ करेंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं, पर आई थिंक वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आप अपनी जो रीगेन अभी तक आपने नॉलेज गेन किया उसको अप्लाई कैसे करते हो। कभी कभार कोई एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी वर्क कर जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा व्हेन आई गिव इन 2021 तो एक क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल लैंग्वेज डे पे, उसकी डेट मेंशन थी,
तो इंटरनेशनल लैंग्वेज डे कोई भी नहीं पढ़ता है, किसी को नहीं याद होती वो डेट। पर जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि इसके लिए डेट यूनिसेफ ने भी की। अगर आपको ये आइडिया है कि यूनिसेफ चिल्ड्रंस फंड है और उसका लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और वहां सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो व्हाट यू हैव टू अप्लाई इज अप्लाई योर ब्रेन्स, और ये तब हो सकता है जब आप काम हो। अगर आप बहुत ज्यादा वरिड हो तो ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। तो आई थिंक रैंडम क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं एक क्लू होता है जो आप कोर से सॉल्व कर सकते हो, और वो क्लू आपको आइडेंटिफाई करना होता है वो रैंडम क्वेश्चंस में। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने हैं, वो सब छोड़ते हैं। जैसे एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस बहुत रैंडम हो गए हैं, वो एनसीईआरटीज या आप कुछ भी पढ़ ले हो, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप अपना कोर को एक बार और रिवाइज करो, ताकि ऐसे क्वेश्चंस हो पाए जो आपके लिए बने हैं और आप उसको इजीली कर सकते हो। तो आई थिंक उन पे टाइम वेस्ट से अच्छा है कि आप एक बार अपने कोर को ही कॉन्फिडेंटली एक और बार पढ़े। तो मैम, टेस्ट सीरीज आपने बताया, टेस्ट सीरीज इज वेरी इफेक्टिव फॉर दिस एग्जामिनेशन, और हर एक लोग को लगाने चाहिए टेस्ट सीरीज। तो डू यू हैव एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ द टेस्ट सीरीज, कितने या दो तीन ऐसे अच्छे कोई इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज कर लें 40 के आसपास, 40-45 टेस्ट सीरीज, ताकि अपने को बिफोर गेटिंग इनटू द रियल एग्जामिनेशन उसके पहले पूरा मॉक ड्रिल हो जाए। क्या इस तरह से कोई नंबर, स्पेसिफिक नंबर आप कोट करती हैं टेस्ट सीरीज के लिए, या आपने किया होगा? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, या आप पे डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। बेसिकली आपको टेस्ट सीरीज आप इसलिए नहीं दे रहे हो कि आप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर रहे हो जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं, उनमें से कोई भी नहीं आता। मैंने 2 साल टेस्ट सीरीज लगाई है, 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला टेस्ट सीरीज से। आप टेस्ट सीरीज से अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो कि मेरे लिए कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं। हम ये चेक करते हैं हमारी गेस पावर कितनी अच्छी है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो वो थोड़े कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो ज्यादा करते हैं तो उनके गेस वर्क से रॉन्ग हो रहा है, तो उनके लिए अच्छा है वो 50-60 क्वेश्चंस करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, गेस पावर उनकी अच्छी होती है, तो वो लोग ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। जैसा मेरा जो केस था, मैंने जब टेस्ट सीरीज लगाई थी तो मुझे लग रहा था कि मेरा जो रॉन्ग क्वेश्चंस है वो 20 अराउंड आते थे, वो कम नहीं हो रहे थे, तो मैंने कोशिश की उसे कम करने की, पर वो हो नहीं रहा था। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं अपने सही क्वेश्चंस को बढ़ा दूं, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई। नंबर ऑफ टेस्ट मैंने जो था, मैंने विजन आईएएस के मंगाए थे दिल्ली से, और मैंने कुछ 34 टेस्ट लगाए थे, पर ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा भी लगा सकते हो, बस आपको ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है कि जितने नंबर ऑफ टेस्ट में हो जाए उतना अच्छा है। तो पर एटलीस्ट 30 टेस्ट तो लगाने चाहिए, जैसे कुछ सेक्शनल होते हैं और कुछ फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। मैम, आप सेक्शनल और थोड़ा सा जो फुल लेंथ टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल अपने एस्पिरेंट्स को बताइए, क्योंकि बहुत लोग होता है दे आर कंटेम्प्टेड बाय द सेक्शनल। अगर उनमें अच्छे 10 क्वेश्चन किया पढ़ के गए, अगर मान लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ के गए, लगातार क्वेश्चन करके आ गए, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट देते हैं उस समय क्या होता है कि आप बहुत सारी गलतियां कर जाती है। तो जो सेक्शनल टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव, दोनों में कैसे बेहतर, कौन सा हो? बेहतर तो ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग की जो ब्रॉड स्ट्रैटेजी होती वो ये होती है कि हम जैन में एक रिवीजन करते हैं प्रीलिम्स के लिए, और फेब में हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं तो बेसिकली वो हमारा रिवीजन होता है। अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है फेब के फर्स्ट वीक में, तो मैं एक सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी हिस्ट्री का, ये चेक करने के लिए कि मेरे को कितनी हिस्ट्री समझ में आई है और मेरे लिए कितना। तो सेक्शनल से आपको ये पता चलता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और आपका वो तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। और जब आप सेक्शनल कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एक सेकेंड रिविजन हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट आप चाहते हो फुल लेंथ पे, तो जब आप फुल लेंथ करते हो आपको रियलिटी फुल लेंथ से पता चलती है कि ये एब्सोल्युटली ट्रू है, क्योंकि सेक्शनल में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होते हो और फुल लेंथ में सारी चीजें लिंक्ड आती हैं। तो आपको जो रियलिटी पता चलती है वो फुल लेंथ से ही पता चलती है। अगर आपकी फुल लेंथ कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार और रिविजन करने की जरूरत है, और फुल लेंथ में आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मैम, एक एस्पिरेंट्स के मन में ये भी लगा रहता है कि मैं दिल्ली जाऊं, लखनऊ जाऊं या इलाहाबाद, वहीं से तैयारी हो सकती है, तो क्या ये एक जायज सी बात है? कि क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी हैं, बहुत सारे ऐसे जगह से जो दिल्ली नहीं आ पाते हैं,
तो क्या उनकी तैयारी घर में रहकर हो सकती है या दिल्ली आना या लखनऊ बड़े बड़े शहरों में जाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें? नथिंग एट ऑल, कोई मायने नहीं रखता है। मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी प्रिपरेशन आगरा से ही की है और मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है कि आपके पास सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। और दूसरा बात ये है कि आपके पास ऑनलाइन एक बहुत बड़ा टूल है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पांच, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था उसके बाद मैं फाइव, मुझे सबने कहा था दिल्ली जाना चाहिए कि आगरा में टेस्ट सीरीज नहीं होती है, मेन्स की नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है यहाँ पे। तो मुझे भी लगा कि मैं रिस्क नहीं ले सकती, बड़ी मुश्किल से प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और इस बार अगर नहीं हुआ तो आई हैव टू सेट अगेन। मैं पांच दिन दिल्ली गई थी लेकिन वहां पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो सेम था जो आगरा में था, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे वहां रहना चाहिए। तो आई केम बैक टू आगरा और मैंने वहीं से मेन्स और इंटरव्यू दोनों केम से किया। मेंस की टेस्ट सीरीज मैंने ऑनलाइन ज्वाइन की थी सोशियोलॉजी की, बाकी मैंने खुद लगाए थे। तो मेरे को पूरी प्रिपरेशन में ऐसा नहीं लगा कि मुझे डेली जाना चाहिए। इनफैक्ट आप अगर घर से करते हो तो आपको एक बहुत कंफर्टेबल माहौल मिलता है, आपके पास खाने की दिक्कत नहीं होती, अपने कामों की दिक्कत नहीं होती। तो छोटी छोटी चीजें जब आप डेली जाते हो आपके लिए मैटर करने लगती हैं, वो आप घर में बहुत आराम से मिल जाता है। प्लस जब आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है प्रिपरेशन में तो आपके पास आपके लव्ड वंस होते हैं आपको संभालने के लिए, कोई बात नहीं हो जाएगा, वो डेली में अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक जो बेस्ट है वो आपके लिए आपका घर है। अगर आपके घर में कोई स्पेस नहीं है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है इस समय। मैम, मेंस के लिए तो प्रिलिमिनरी की स्ट्रेटजी थी, मेंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस भी इस तरह के होते हैं कि आपके पास समय का भी अभाव रहता है। 3 आवर्स 20 क्वेश्चंस बहुत बड़ा बैटल है। ज़्यादातर मैंने जो चीज़ें देखी कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे उन्होंने सारे क्वेश्चंस किए और 2-4-5 मिनट भी उन्होंने बचा लिए। तो आपका क्या स्ट्रेटजी था मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? क्या आप अपने टाइम को बचा पा रही थी? टाइम तो नहीं बचा पाई थी, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे सारे पेपर्स में। मेरा केस ये होता था कि एंड में 10 मिनट्स मेरे पास 2-15 मार्कर बचते थे, तो उसमें मेरे को थोड़ा बहुत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। लेकिन आई थिंक मैंने ट्राई बहुत किया था, मेरे पास टाइम बचे पर वो नहीं होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हमेशा नए आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और वहाँ आपका टाइम चला जाता है। आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू फॉर मेंस कि आप जो है पहले प्रीवियस क्वेश्चन से आप कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो जो अक्सर आ रहे हैं एग्जाम में, और आप उसके स्निपेट्स तैयार कर लो पहले से कि मेरा इंट्रो ये होगा, बॉडी ये होगा, कंक्लूजन ये होगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि जब आप मेंस में जाते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आज तक नहीं आए और आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो ये जो आपने स्निपेट्स तैयार किए हैं ये आपको वहाँ हेल्प करता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस को आप 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो और उनसे जो टाइम बच रहा है आप इन क्वेश्चंस में डिवोट कर सकते हो। तो ये आपको पहले से आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। जैसे कुछ टॉपिक्स है इंटरनल सिक्योरिटी, मैंने वो पहले से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। जब मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें सिर्फ 5 टॉपिक्स आए हैं आज तक और यही बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं। मैंने उस 5 टॉपिक्स के स्निपेट्स बना लिए और होपफुली GS3 में मेरा लास्ट क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी पे था जिसका मैंने स्निपेट बनाया हुआ था, तो मैंने मेरे पास 5 मिनट थे और मेरे से वो हो गया। अगर शायद स्निपेट नहीं होता तो मुझे बहुत टाइम लगता। तो मेंस में आप ये जरूर करें, आप प्रीवियस ईयर जरूर एनालाइज करें। तो नोट्स मेकिंग मैंडेटरी हो गया फिर तो, सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे मेंस के लिए? आप नोट्स बना रही होंगी? नहीं नहीं, नोट्स इज नॉट मैंडेटरी। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो 4 है वो बुक्स में ही है, आप उसके नोट्स बनाओ में पूरी बुक छप जाएगी। आप ज्योग्राफी के NCERT की बात करो तो उसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स आप नहीं बना सकते। पर कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें से आपको बुक बहुत बड़ी है लेकिन आपको जो पढ़ना है वो बहुत कम है, आप उनके नोट्स बना लो। या फिर कुछ ऐसा मटीरियल है आपको ऑनलाइन मिला है आपसे खो जाएगा या आप उसको दोबारा नहीं देखना चाहते। कुछ लोग होते हैं जो वीडियोज से पढ़ते हैं, अब वीडियोस आप बार बार देखोगे तो ऑब्वियसली बात है आप 2.5 घंटे की वीडियो हर बार देखोगे तो टाइम 5 घंटा इतना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब उस 2.5 घंटे की वीडियो का 1 पेज का नोट या 2 पेज का नोट्स बना लेते तो आप 15 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। तो आपको करना ये है कि आपको अपना टाइम कट करना है रिविजन का, तो उसके लिए आप ऐसा मटीरियल जो आप नहीं पढ़ोगे बाद में या बुक बहुत बड़ी है उसको आप छोटा कर सकते हो, सिर्फ उसके नोट्स बनाए। बाकी मेंस के लिए जो नोट्स बनाने होते हैं वो होता है आपका न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स करेंट वाले जो आपके यूनिक हो के आपको यूज करने हैं अपने मेंस में। दूसरा मैंने जो किया था, मैंने सनसेट टीवी देखा था
तो सनसेट टीवी में मुझे कुछ टॉपिक्स मिलते थे या मुझे कोई यूनिक एग्जांपल मिला, और मुझे अगर पीएम मोदी के मैं कोट्स नोट डाउन करती थी कि अगर मेरे पे कोई क्वेश्चन आता है बिम्स्टेक पे या किसी चीज पे, तो ये आपको अपनी एक कॉपी बनानी होती है मेंस के लिए पेपर वाइज, जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे या आपको एक्स्ट्रा एज देंगे पेपर में। तो ये आप शुरुआत से अगर करते हो तो आप एक कंफर्टेबल पोजिशन में होते हो मेंस लिखने से पहले। ये जो आजकल इंटरनेशनल रिलेशन मोर ऑफ कंटेम्प्रेरी नेचर हो गया, तो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप कैसे मैनेज कर रही थी इन सब के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही एकदम ऐसे कंटेम्प्रेरी को, ऐसे नहीं है कि बहुत पुराने नाम का चीज़ स्ट्रैटेजी पूछी ये सब, अब एकदम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पूछे जाते हैं, उसको आप कैसे करती थी? क्या उसके लिए कोई साइट था जो आप देखती थी? कहाँ से आपने अरेंज किया कंटेंट्स? I think international relation is contemporary because you need to be aware of what is happening around the world with the historical background. तो उसके लिए best मेरे को जो लगा वो था diplomatic dispatch show आता है सेंसर टीवी पे, वो best लगा मुझे। मैंने उसी से अपने सारे IR को cover किया था और वो मेरे को help भी किया, मेरे को उसी से ही कुछ questions मिले जैसे BRICS पे था, तो I think वो best है IR के लिए। और जो इंग्लिश मीडियम उनको देखना चाहिए, और हिंदी मीडियम अगर आप समझ सकते हो तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी में, पर आपको उस पर बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं रिलेशंस पे, तो वो बेस्ट है आई थिंक। और एथिक्स के लिए मैम किस तरह से तैयारी होनी चाहिए एथिक्स पेपर के लिए? आई थिंक एथिक्स और ऐसे ये बहुत सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, और ये आपको एक क्रिएटिविटी ऑफर करते हैं कि आप कितने क्रिएटिवली इन पेपर्स को ऑप्ट कर सकते हो। अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो आपके जो डेफिनेशंस होते हैं वो डेफिनेटली आपको याद करने पड़ते हैं, उसके लिए आप लेक्सिकॉन रेफर कर सकते हो, मैंने की थी, या आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं आप वो कर सकते हो। वंस आपकी डेफिनेशंस हो जाती हैं जो टॉपिक्स आ रहे हैं एथिक्स में, तो आपका बेस हो गया। अब आप इस पर आपको चेरी लगानी है या इसको आइसिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल सर्च करने होते हैं, कुछ बुक्स के नाम देख सकते हो। तो मैंने जो किया था एक द बेटर इंडिया करके वेबसाइट है, मैंने वहां से IAS ऑफिसर्स के एग्जांपल्स के लिए रेफर किया था, और मैं उन्हें नोट डाउन कर लेती थी कि ये अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो कोई इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आया या उस पर आया। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज द कोट्स, ये एथिक्स में बहुत काम आते हैं, तो अगर आप अपना आंसर कोट से शुरू करते हो तो ये आपके आंसर को एक एज दे देते हैं, तो ये आप पहले से कर सकते हो। अगर आपको कोई अच्छे कोट्स मिल रहे हैं आप उसे नोट डाउन कर लो। और तीसरा है कि अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हो तो वो भी एथिक्स में काम आते हैं, तो ये आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और चौथा है फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ये चार एलिमेंट्स अगर आप एथिक्स में अपने इन्वॉल्व कर लेते हो एग्जाम में तो आपको अच्छे स्कोर मिल जाता है। मैम जो मेंस के क्वेश्चन के लिए कंटेंट्स, कहीं क्या कोई साइट, प्रॉपर साइट है जो आप एस्पिरेंट्स को देखना चाहिए रेगुलरली ताकि उनसे बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएं, जैसे PIB हो गया, PRS हो गया, कुछ इस तरह से आप देखती थी या उनसे चीजें लेती थी कंटेंट्स? नहीं, मैंने मेंस के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट रेफर नहीं की थी, वहां पर मैंने डेफिनेटली सनसेट टीवी को देखा था पर्सपेक्टिव में, वहां पर कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज आते हैं, जैसे अगर आप बात करें वन नेशन वन पॉलिटिकल सिस्टम की या वन कैंडिडेट वन सीट की, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं और आपको इसमें बैलेंस्ड व्यू पॉइंट चाहिए होता है, तो इसमें मेरे को सनसेट टीवी का पर्सपेक्टिव शो ने हेल्प किया, मुझे एक बैलेंस व्यू पॉइंट मिला जो मुझे लिखना चाहिए एग्जाम, तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपना कोर ही रिवाइज करना होता है और जो आपका एग्जाम्पल्स है वो देखने होते हैं, प्लस आप जो कर सकते हो वो ये है कि आप कोई करंट अफेयर्स पे भी आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि खासकर GS3 में करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप उनसे भी करंट अफेयर्स पे भी आपको थोड़ा डिटेल में काम करना होता है मेंस पे। ऐसे के लिए मैम क्या कोई ऐसा रेगुलर न्यूज़पेपर जो नेशनल न्यूज़पेपर हो उसको रेफर कर लगातार करना पड़ता है, या ऐसे के लिए क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? ऐसे मैंने एक्चुअली प्रीलिम्स फेल होने के बाद शुरू किया था, तो ऐसे आई थिंक बहुत सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर है आप कैसे क्रिएटिवली लिखते हो, पर हाँ आपको एटलीस्ट 10-15 ऐसे एग्जाम से बैठने से पहले लिखने चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ कि वहाँ पे कोई भी टॉपिक आए आप लिख सकते हो, और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको एथिक्स का पोर्शन ही हेल्प करेगा, आपको एग्जांपल्स जो आपने कोर्स उसमें याद किए हैं वो ऐसे में भी काम आ सकते हैं, तो आई थिंक वो आपको करना चाहिए। मैम एक सवाल और कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो नए कवर्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं,
स्टार्ट कर रहे हैं इनिशिएटिंग इनटू द एग्जामिनेशन, तो उसके प्रिपरेशन में कैसे अप्रोच उनका होना चाहिए, किस तरह से वो स्टडी करें? क्योंकि अक्सर देखा गया है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, या तो आप ऑनलाइन भी देख लें, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी लगातार लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं, तो उनका अप्रोच क्या होना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द सब्जेक्ट्स? उनको कैसे तैयार करना चाहिए, मेंटल फ्रेमवर्क कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी अगर लोगों को, एस्पिरेंट्स को मिल जाए, दोज हु आर इनिशिएटिंग इनटू दिस एग्जामिनेशन, तो फ़ायदा होगा। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है इसके लिए, क्या आप कहना चाहते? आई थिंक अगर आप बिगनर हो तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज इज कि जो भी आपको कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर 100% नहीं पढ़ाता है, वो कितना भी अच्छा टीचर हो। और दूसरी चीज़ कि उनसे भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं अनइंटेंशनली, तो आपको ये होना चाहिए कि आप हमेशा बुक्स को ज़रूर रेफर करें अगर कोई भी आपको पढ़ा रहा है। और एनसीईआरटी सिर्फ एक फाउंडेशन होता है, अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ लेते हो तो आपका फाउंडेशन हो जाता है। इसके बाद आपको उसको इम्प्रूव करना होता है करंट अफेयर्स से। अगर कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है फॉर से, तो आपने ज्योग्राफी में साइक्लोन्स पढ़ लिया तो आपके पास कोई एक नया टॉपिक आ जाएगा, बॉम्ब साइक्लोन्स, तो आपको ये भी कवर करना है उसके साथ। तो ये आपको धीरे धीरे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आपको न्यूज़पेपर मिस नहीं करना है, ये आपको स्टार्टिंग से देखना है कि आपसे न्यूज़पेपर मिस ना हो। और आई थिंक न्यूज़पेपर में कभी कभी डिटेल में चीज़ें कवर नहीं होती हैं, तो मैंने सिविल्स डेली करके एक ऐप है उसको भी रेफर किया था, क्योंकि वो PIB, इंडियन एक्सप्रेस इन सबको कंसोलिडेट करके एक जगह पे देता है। तो आप अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर के साथ सिविल्स डेली रेफर कर सकते हो, तो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन हो जाता है। और आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप उसके साथ उसे ऐड ऑन करते जाओ कि नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, और ये आपको ज़रूर हेल्प करता है। मैं 28 मई को फिर UPSC एग्जामिनेशन होने जा रहा है, दोज पीपल हु आर गेटिंग इन टू द एग्जामिनेशन, उसके लिए क्या एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पैनिक सिचुएशन, क्योंकि CSET जो है एक तरह से डिसाइडिंग चीज़ है, आप CSET में अगर क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आगे बढ़ते ही नहीं है। कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है जो हिंदी के हैं, प्लस मैथ भी उतना अच्छा नहीं होता है, तो कैसे अपने को CSET को बैलेंस कर पाए ताकि वो अगले चरण में चले जाएं? क्योंकि एग्जामिनेशन शायद आप भी दे रही होंगी एग्जामिनेशन, क्योंकि दे रही हैं आप, मैं कर रही हूं, कर रही हैं इस बार स्किप कर रही हैं। ओके मैम, तो जो दे रहे हैं उनके लिए किस तरह का अप्रोच होना चाहिए एग्जामिनेशन में, कैसे अपने को फूल कर पाए, काम कर पाए, इसके लिए क्या सजेस्ट करती हैं? आई थिंक ये अभी हाई टाइम है, 20 इज नॉट सो फार, तो आप तक अपने जो पढ़ा है अब तक उसमें कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने सही पढ़ा है और इससे मेरा हो जाएगा। और काम डाउन करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मैंने जो किया था, मैंने ये सोचा था कि मैं मॉक देने जा रही हूँ, और कभी भी एग्जाम को डी डे ना बनाए कि यही है आज जो होगा वो डिसाइड होगा, मेरा करियर डिसाइड होगा, मेरी लाइफ डिसाइड होगी। जब आप अपने सारे स्टेक्स एक एग्जाम पर रख देते हो तो आप ऑटोमेटिकली नर्वस हो जाते हो, आपको रियलाइज भी नहीं होता। जब आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हो आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ और करियर का सवाल है, इस बार होगा कि नहीं होगा, तुरंत आपका वो पैनिक आता है और आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिर वो और बढ़ता चला जाता है। तो आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप कॉन्फिडेंस रखो और ये सोचो कि ये एग्जाम ही है, कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, और होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरे पास नेक्स्ट ईयर है। और ये भी सोच सकते हो, मैंने जो सोचा था कि मॉक है, मैं टेस्ट सीरीज ही दे रही हूँ एक तरह से, तो ये टेस्ट सीरीज है और ये फाइनल नहीं है अभी, तो आप ऐसे करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। आई थिंक अगर आपने कोर को बहुत अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है CSET की, तो CSET जो हिंदी मीडियम है जिसका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है और मैथ्स भी इतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए अब वैसे टाइम जा चुका है कि वो अब उस पर वर्क नहीं कर सकते। तो वैसे होता यह है कि आप एक दो महीने पहले से जब CSET की तैयारी करते हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपसे इजीली हो रहे होंगे, आप उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो CSET में, अब उसको अच्छे से वर्क कर लो, और जो आपसे नहीं हो रहे हैं और आप कुछ मेहनत से उनको कर सकते हो आप उन पे वर्क करो। और जब CSET का एग्जाम आता है तो CSET में मैंने जो चीज नोटिस की है कि आपको फर्स्ट टू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें अगर एक बार अटक गए आपको लगे आपसे हो जाएगा, 15 मिनट्स आप इन्वेस्ट कर दोगे और 15 मिनट्स के बाद भी आंसर नहीं आएगा, ये आपके लिए टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होता है, प्लस आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। तो आपको CSET का पेपर सिलेक्टिवली करना है, आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि ये मैंने पहले किए मेरे से अच्छे से हो रहे थे,
आप उन टॉपिक्स को पहले करें और आप उसको छांटे क्वेश्चंस कौन से आपसे हो सकते हैं, बाकी जो बचते हैं उनमें से आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें मैं अगर 5 मिनट देता हूँ क्या ये मुझसे हो सकता है। तो ये आपको सेलेक्टिवली आपको काम करना पड़ेगा सबसे पहले। थैंक यू फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस स्ट्रेटजी, और होपफुली जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जो लास्ट में इस इंटरव्यू से जो टेक होना चाहिए, मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट हार्ड वर्क उनको करना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। टेस्ट सीरीज वो लगाएं तकरीबन 40 के आसपास, बेहतर टेस्ट सीरीज, और जो मॉक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉक एग्जामिनेशन दे। जो आर है ऑफ स्टडी, इट इज़ अप टू द कैंडिडेट्स को किस तरह से वो लेते हैं क्वालिटेटिव, द मैटर इज़ क्वालिटी दैट मैटर्स। और एक तरह से एक एस्पिरेंट को अपने में बिलीव और फेथ होना चाहिए कि कोई बात नहीं है, इसके अलावा भी कोई और ज़िंदगी है, इससे परे भी प्लान बी ऑप्शन। मुझे लग रहा है कि शायद लोगों को प्लान बी ऑप्शन सोचते नहीं हैं, तो इसी वजह से पैनिक भी हो जाते हैं। फेलियर से उसको सीखना चाहिए। और एक मैम एक चीज़ मुझे ये भी लगता है कि अपने को लगातार 10 दिन 15 दिन इवैल्यूएट जरूर करना चाहिए। क्या आप भी इस तरह से करती थी, इवैल्यूएट करती थी अपने आप को? हाँ, ये हर एस्पिरेंट करता है, बिकॉज इट्स लाइक अ ओशियन, आपको नहीं पता होता वेयर यू हैव टू गो। आपके लिए सारे रास्ते इक्वल होते हैं, तो आपको अगर राइट पाथ फाइंड करना है उसका एक ही तरीका है, यू हैव टू चेक योरसेल्फ। अगर आपने एक सब्जेक्ट कर लिया है और उसका बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, अगर आपसे वो हो रहा है तो आपने उस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है और आप इसको कर लोगे। अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपको फिर से उसे पढ़ने की जरूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एक तरह से कंपास की तरह एक्ट करता है, जो आपको उस ओशन में एक राइट पाथ दिखाता है कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है। मैम कोई मोटिवेशन की बात जो कि आप एस्पिरेंट्स को, दोज आर हु आर गेटिंग इनटू द एग्जामिनेशन और जो इसमें शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए कुछ अगर कहना चाहें आप एस्पिरेंट्स के लिए? आई थिंक व्हाट इंस्पायर्ड मी वाज आई रेड अ बुक बाय पाउलो कोएलो एल्केमिस्ट। तो मैंने वो जब पढ़ा तो उसमें ये था कि हर डेस्टिनी का एक प्राइस होता है, और आपने डेस्टिनी जितनी एक्सपेंसिव चूज की होती है उतना ज्यादा आपको प्राइस देना पड़ता है, और वो प्राइस लाइफ में फेलियर्स होते हैं। सो आपको डेस्टिनी में अगर आप फेल हो रहे हो, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है और आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप एक डेस्टिनी का प्राइस दे रहे हो और आप क्लोजर जा रहे हो अपनी डेस्टिनी के। और उसमें ये भी था कि 99% जो पीपल होते हैं वो गिव अप कर देते हैं जब डेस्टिनी सिर्फ एक कदम दूर होती है, तो आपको वो एक लास्ट कदम भी उठाना है ताकि आपको डेस्टिनी मिल पाए। तो आई थिंक पे योर प्राइस एंड रीच योर डेस्टिनी। एंड मैम थैंक यू फॉर योर प्रेसियस टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वन अगेंस्ट फ्रॉम परीक्षा आइडिया टीम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू मैम। थैंक यू।